हे गाइस, अभी हम आए हैं पिंड बलूची में डिनर के लिए। ये है पिंड बलूची, आप देख सकते हैं काफी अच्छा है एम्बियंस। हेलो, हाँ अच्छा बन रखा है ना पिंड बलूची देहरादून। ये राजपुर रोड पे है, राजपुर रोड पे है ना। हाँ अच्छा बना रखा है। हेलो, सही है, कैसा लग रहा है? एम्बियंस तो अच्छा है ना। अच्छा है पिंड बलूची देहरादून। अब चलो खाना टेस्ट करके देखेंगे कैसा है। क्या बोलते हो फारूल, आपका रिव्यू बहुत इम्पोर्टेंट है हमारे दर्शकों के लिए। ठीक है ठीक है। यस, लाइक संजय VVVVVVVVIP सिंगानिया, संजय सिंगानिया बिजनेस टाइकून। हाँ, और जिनको पता नहीं है, संजय के भी इधर सर पे चोट लग रखी थी बहुत पहले, ये इधर सिंगानिया की तरह। अगर आप लोगों ने आमिर खान वाली मूवी नहीं देखी है वो निशानी है अभी भी इसके सर। हाँ चलो खाना टेस्ट करते हैं फिर आते हैं। और गरिमा, आपको यहाँ का एम्बियंस कैसा लगा? बहुत अच्छा, बहुत ही प्यारा सजा रखा है, और ये एक अलग सा ऐसा लग रहा है केबिन जैसा है, प्राइवेट डाइनिंग वाला फील दे रहा है। तो अगर आप 10-12 मेंबर हो तो आप प्राइवेट डाइनिंग एंजॉय कर सकते हो। हम लोग 6 लोग हैं तो हमें एक सेपरेट स्पेस मिल रहा था। हाँ बिल्कुल, लेट्स ट्राई द फूड। तो हमने फाइनली हमारा खाना ऑर्डर कर दिया है। तो ये देखिए यहाँ के ग्लास काफ़ी हैवी है, तांबे का है, और ये है प्लेट थाली, बहुत ही ज़्यादा हैवी है। काफ़ी अच्छा सिस्टम बना रखा है इन्होंने, नाइस। अभी तक काफ़ी अच्छा लग रहा है, कटोरिया भी काफ़ी बढ़िया है, इन सब की क्वालिटी तो बहुत अच्छी है। बाकी अब खाने की क्वालिटी देखते हैं। ये संजय हमें कुछ बता रहे हैं सिंगली के बारे में। सिंगली होते हैं लोमड़ी के, बेनिफिट्स बता रहे हैं, बताइए जरा। हाँ इसकी शादी में हम यही ग्लास देंगे, बताइए क्या बोल रहे थे। मुझे लगता है कि पहले जो पति पत्नी का जो रिलेशन था वो काफ़ी अच्छा रहता था, आज के टाइम पे काफ़ी आर्ग्यूमेंटिव रहता है, मतलब ये बहसबाजी। अब पहले अच्छा रहता था, उसका रीज़न था कि एक एक चीज़ इतनी भारी होती थी कि लाइफ रिस्क में है, मतलब उस समय से। अब क्या है कि सब कुछ हल्का चल रहा है। अच्छा अच्छा, ये देखो आप प्लेट देखो, मानो कि बहस बहस की आपने, उड़ के आया प्लेट आपकी तरफ फिर तो दिक्कत ही हो जाएगी ना। ये देखो मटेरियल कितना यार भारी है, दिक्कत हो जाएगी ना, इसलिए प्यार से रहते थे। अब आज ये मटेरियल वगैरह वही क्या, सारा कुछ इसलिए घर पे ये वाले ग्लास और ये वाली थाली रखनी चाहिए। आप अपने घर में अगर पीस चाहते हो तो इस टाइप की चीजें अपने किचन में इंक्लूड करवाओ। अब हमारे दर्शकों का पूछा, दर्शकों तक ये बात पहुंचा देंगे। थैंक यू सो मच। तो ये देखिए हमारा खाना आ गया है, हमने मंगाई है बिरयानी, बटर नान, रोटी, लच्छा पराठा, पनीर टिक्का, दाल मखनी, पालक पनीर। तो चलिए अब खाएंगे। हाँ रायता भी है मिक्स, हाँ जी मिक्स रायता, पाइनएप्पल रायता। तो चलिए अब खाएंगे फिर आपको टेस्ट करके बताएंगे एम्बियंस के अलावा खाने कैसा है यहाँ का। तो बताओ गरिमा, खाना कैसा रहा? जी तो बताओ खाना कैसा था? ठीक है। अरुल खाना कैसा है? खाना खाने के बाद तंदूर रोटी बोला था,
बटन कंट्रोल पे ऑटोमेटिक होना चाहिए। अच्छा बटन होना चाहिए ऑटोमेटिक, ठीक है। अच्छा ठीक है भाई। भैया खाना कैसा था? बढ़िया सर। हाउ वाज फूड? द फूड वाज ऑसम। अच्छा ओके थैंक यू। अच्छा था टेस्ट, प्रॉपर इतनी था। मैं चाहता हूँ ये किचन के लोग से मिलना है। अच्छा हाथ काट के मैं अपने साथ ले जाना चाहता। ये देख लीजिए, गौर से देखिए इस चेहरे को, बच के रहिएगा। नहीं पी रहे, पी चुके हैं एक्चुअली, पी चुके हैं। तू पी कल के लिए, तू पूछ रहे तो अलग से। आज नहीं पी रहे। और चंद्रा जी खाना कैसा लगा? खाना अच्छा। सबसे अच्छा क्या लगा? सबसे अच्छा मुझे यहाँ के बर्तन लगे। बर्तन? फिर आप ये ग्लास बैग में डालने वाले हो क्या? और खाने में सबसे अच्छा लगा पनीर टिक्का। पनीर टिक्का पीसेस काफी बड़े थे। वो पनीर शैशलिक नाम दिया था इन्होंने, जो कॉन्टिनेंटल डिश होता है, पर था पनीर टिक्का। ये वही मेरा पनीर बेवकूफ था। ये देखिए मेरे संग कौन है। अब हम जा रहे हैं घर। द डिनर इज ओवर। द मसूरी ट्रिप वाज अमेजिंग। खाना बहुत अच्छा था पिन बलूची का। ट्रिप पूरा बहुत बढ़िया रहा। और बस नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आप। सो टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। अगर आप देहरादून में हैं या फिर पिन बलूची और भी जगहों में हैं, प्लीज टू कम एंजॉय विद योर फैमिली। सो टेक केयर, बाय। ये है गुच्छू पानी, ये है गुफा, ये आगे ऐसे ही गुफा है। और ऐसा कहते हैं कि